और जलसे पे जा रहे हैं और बच्चों ने शोर मचाया हुआ अपना। कन्फर्म हो गया सर, नजरियाती जो पार्टी थी उनकी, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कन्वे हो चुका हुआ न्यू जनरेशन में और वो चला गया और दिलों में बैठ गया सर, वो नहीं निकलने वाला। अब मुझे बताएं, कम अज कम मेरी उम्र 40 राउंड अबाउट है, एक बात है मुझे बताएं, आने वाले वक्त में मैं अपने बच्चों को या अपने जो भी जनरेशन आ रही है, हम उसको क्या बताएंगे कि यार इसने ये किया, इसने ये किया? तो जारी बात है, आने वाला 30-40 साल भी गए सर, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसका इमरान खान का, वो हमारे दिलों में, नजरियाती चीज़ें हमारे दिलों में बैठ चुकी हैं, वो नहीं निकलने वाली और वो सच्ची है सर, इसमें झूठ नहीं है ना। इमरान खान ने झूठ नहीं बोला सर, सर गढ़ था ये, पास में चलेगी बात ना सर, गढ़ था ये कभी, अब वो वाला मामला तो नहीं है। अब जहाँ जहाँ इनका गार्ड है ना यार सर, उसे कहे एक आगे स्पीच कर दे इमरान खान से, कहे खत्म हो गया सर गढ़चढ़, जहाँ जहाँ पर मेन गढ़ में होगा यार एक एक स्पीच चलनी है उसकी, बंदे की बस उसकी एंट्री होनी है, एंट्री होकर वापस चले जाना, बात खत्म हो गई सर। वहाँ से लाखों में वोट गया अंदर इमरान खान साहब का। बातें सुन लो सर, इनसे ऐसी ऐसी करते हैं, जैसे ये क्या नाम है, अरबोपति पार्टियाँ रही हैं और इमरान खान को ऐसे डिग्रेड करते हैं। और भाई वो 20-21 साल की उम्र से ही यार वो एक ब्रांड है, उस ब्रांड के साथ ही कहाँ कंपेरिजन करने चले हुए हैं। और सर कौन सी घड़ी चोरी कर ली मुझे बताएं ज़रा, वो ये घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, इनको शर्म नहीं आती, अपने अरबों डॉलर जाके एवन फील्ड बनाए हुए हैं ठीक है, और वहाँ पर इतना उन्होंने अपनी अमारात खड़ी की हुई हैं, दुबई में इनके वजीरों मशीरों ने जगह जगह इन्होंने प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई हैं। अब मुझे बताएं हाँ ज़रा, इतनी प्रॉपर्टियाँ बनाने के बाद आप मुंह में जो आएगा इल्ज़ाम लगा दोगे, इल्ज़ाम से क्या होता है सर, मैं कह देता हूँ ऐसे है। और सर इनके करप्शन के केसेस चेक करें, इनसे कहें हैं या फेयर इलेक्शन करवा के चेक करें, साथ में ये अपने जो केसेस का है इसको ट्रायल चेक करें इसका, दे के कि ये इनके केस कहाँ कहाँ पर हैं। और सर इनको आप मुझे बताएं, ये 17 महीने में इमरान खान पे केस बनने थे सर, 17 महीने में केस बनने थे, उसके जो 68 साल की उम्र है, 69 साल की उम्र में सर कोई केस नहीं बना अगले पे, कोई एक FIR नहीं हुई उस पर यार, इकट्ठे यार तुमने 200-250 केस बना के रख दिए यार अगले पे यार, दुनिया को नज़र आ रहा है सर, मैं आपको बताऊँ, अब लोगों को पता लग गया हुआ है कि यार सच क्या है, झूठ क्या है। अब उन्हें नज़र आ रहा है कि यार हमारी तो सियासत उसने मिट्टी में मिला दी है, हमारी सियासत बोस हो गई, ज़मीन बोस कर दी है इमरान खान ने, अब इनको ये कह रहे हैं यार हमारी कुर्सी भी गई, हमारी चीज़ें भी गई, हमारा वोटर भी गया। और सर ऐसे ही होना था इनके साथ, और ये जो कर दिया इमरान खान ने, इनको एक्सपोज कर गया यार, अल्लाह ज़िंदगी दे उसकी यार 100 साल की, वो एक बार आ गया तो बस आप समझ लेंगे ये सदारत है इंशाल्लाह 10 साल आने वाले वक्तों की। सर नहीं आएंगे ये, क्यों ये नहीं आ सकते, उसकी तैयारी है सर, तैयारियाँ होने से क्या होता है, अब देखें ना जो जलसे हो रहे हैं, इनके कन्वेंशन हो रही हैं, अब मुझे बताएं हाँ ज़रा ये ठीक हो रही हैं, पतली पतली गलियों में कर रहे हैं, 4-4 फुट की गली हैं, 6-6 फुट की गली हैं इनकी ठीक है। अब खुद सोचें एक एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, उनको 10-10 फुट की गलियों में घुसा दिया अगले ने, ये मीनारे पाकिस्तान भर सकते हैं, ये कह रहे हैं हम मीनारे पाकिस्तान भरेंगे, कहाँ से भरेंगे, चले भर के देख लें। ऐसा करें इनको ना, ऐसा करें इन नवाज शरीफ को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये एक ओपन ऐलान करें, ओपन ऐलान में ये कहे कि ये जी हमारा जलसा 4 दिन बाद है या 8 दिन बाद है, एक टाइम दे दे, ठीक हो गया इसके ऊपर टाइम है। और मैं ये भी कहता हूँ हमारा जो क्या नाम है खान साहब हैं, वो अभी यहाँ से निकलें और मीनारे पाकिस्तान रस्ते में ही ऐलान कर दें कि मैं मीनारे पाकिस्तान पहुँच रहा हूँ, तो फिर आप चेक कर लें कि दोनों का कंपैरिजन करके चेक कर लें कि दोनों को जलसे में फ़र्क क्या है, आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा। ये कौन सी बात आप है, कोई इसमें बात नहीं है, ये ओपन है सर। आपको बता दें इमरान खान साहब ने इस बार 2-3 दहाई अक्सरियत लेके जानी है और 100% सर जानी है, इसमें कोई मुजायका नहीं है, इनसे क्या फिर एंड इलेक्शन करवा के चेक कर लें,
एक दफ़ा ये आप कन्वेंशन खोलें, एक दफ़ा जलसे करने की इजाज़त दें। अभी सुना था ये क्या नाम है हमारा ये पीटीआई का जो जलसे है कि जो 14 को बना रहे हैं अपना लिबर्टी में, अब आया सुनना है कि इस पता नहीं इसकी परमिशन हमें मिली है या नहीं मिली है, इसमें क्या मुतनाज़ा भी मिल गई है लेकिन कुछ मुतनाज़ा भी कह रहे हैं। बहरहाल अब इस जलसे से अंदाजा लगा लें, अभी पता लग जाएगा आपको, सब साफ अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें क्या चल रहा है। अभी जलसा करके चेक कर लें, अभी देखें सर लाखों बंदे इमरान खान के जलसे में। सर और सर कहाँ जद्दी पूछती अमीर हैं सर, मेरा एक दोस्त रहता है ये अपना इस साइड पे, नहीं ग्वाल मंडी में तो इनके थे ना, ये ग्वाल मंडेला तो इनको कहा जाता ना, यहाँ के तो हैं ना, हमारे उधर साइड पे रहते हैं ये जो इनकी बेगम है मकलसूम नवाज, ये वहाँ की रिहायशी थी, ये वहाँ पर अंदरून में वहाँ की रिहायशी हैं। सर ये कहाँ से जद्दी पूछती अमीर आ गए।